हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फूड पैराडाइज। चलिए आज बनाते हैं मशरूम मटर मसाला। इसके लिए चाहिए मटर, प्याज, अदरक, लहसुन, मिर्चा, टमाटर, मशरूम। सबसे पहले मशरूम को कट कर लेंगे। इसे गुनगुने पानी में डालकर अच्छे से धो लेंगे, फिर पानी से छानकर बाहर निकाल लेंगे। बाकी के प्याज, अदरक, मिर्चा, टमाटर कट कर लेंगे। चलिए मशरूम मटर मसाला की ग्रेवी बनाते हैं। एक पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल और 2 टेबलस्पून बटर गरम करेंगे। सबसे पहले इसमें प्याज डालेंगे। प्याज को चलाते हुए ट्रांसलूसेंट होने तक पकाएंगे। इसमें फाइनली चॉप्ड अदरक, हरी मिर्च और लहसुन डालकर इसे भी 1 मिनट तक भून लेंगे। अब इसमें टमाटर डाल देंगे और इसको पकने के लिए स्वादानुसार नमक डाल देंगे। इसे ढककर टमाटर के गलने तक पकाएंगे। टमाटर पूरी तरह से गल चुका है। अब गैस को बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। मसाला ठंडा हो चुका है। अब इसे मिक्सर ग्राइंडर में लेकर बारीक पेस्ट बना लेंगे। ये मसाला तैयार हो चुका है। अब उसी पैन में फिर से बटर और ऑयल गरम करेंगे। एक या दो तेज पत्ता डालेंगे। 1 टीस्पून जीरा डालेंगे। एक हरी इलायची तोड़कर डाल देंगे। 1 टेबलस्पून कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर डालेंगे और तुरंत ही अपना प्याज और टमाटर का पेस्ट डाल देंगे। रेड चिल्ली पाउडर के साथ ही इसको डालेंगे ताकि मिर्चा जलने न पाए। 1 टेबलस्पून कोरिएंडर पाउडर और 1 टीस्पून टर्मरिक डालेंगे। अपना ग्राइंडर जार में जो मसाला लगा हुआ है उसे धोकर 3-4 चम्मच पानी डाल देंगे। ढककर 2-3 मिनट के लिए पकने देंगे, जब तक कि मसाला तेल न छोड़ दे। बीच में एक दो बार चला के फिर से पकाएंगे। ये देखिए मसाला तेल छोड़ दिया है, मसाला पूरी तरह से पक चुका है। अब इसमें हरा मटर डालेंगे। हमने फ्रेश मटर यूज किया है इसलिए मटर को थोड़ा सा पकाएंगे। अगर आप फ्रोजन मटर यूज कर रहे हैं तो इसी के साथ ही मशरूम भी डाल देंगे। बीच में चलाते हुए 1-2 मिनट तक मटर को पकाएंगे। मटर पक चुका है। अब इसमें दही का तड़का देंगे। एक कटोरी में दही फेंट के लेंगे और 2 चम्मच गरम गरम ये जो मटर मसाला है इसमें डालकर पहले मिक्स करेंगे, फिर इस दही को पैन में ट्रांसफर कर देंगे।
इस तरीके से दही डालने से दही फटेगा नहीं। ग्रेवी में नमक भी पहले नहीं डालेंगे, नहीं तो दही फट जाएगा। जब ग्रेवी खौलने लगे तब इसमें स्वादानुसार नमक डाल देंगे। अपनी मटर मसाला की ग्रेवी तो तैयार हो चुकी है, अब इसमें मशरूम डालेंगे और इसे भी 2-3 मिनट तक पका लेंगे। आपको मशरूम मटर मसाला की रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इसे गार्निश करने के लिए हम लेंगे मिंट लीव्स, स्प्रिंग अनियन और कोरिएंडर लीव्स। अब इसमें 1 टीस्पून गरम मसाला डालेंगे और थोड़ा सा बटर डालेंगे। फिर इसे रोटी, पराठा या राइस के साथ सर्व कीजिए। एंजॉय दिस डिलीशियस रेसिपी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। थैंक यू।